मात्र $1700 को $5 बिलियन में कन्वर्ट करने वाले पीटर थियल एक बहुत ही डेंजरस बिलियनेयर इन्वेस्टर माने जाते हैं, क्योंकि उनका कंट्रोल सिर्फ पैसों पे नहीं है, उनका कंट्रोल पावर पे भी है। जर्मनी में पैदा हुए पीटर थियल कुछ बड़ा करने की सोच के साथ यूएस आए, जहाँ पे उन्होंने स्टैनफोर्ड लॉ स्कूल से पढ़ाई की। उसके कुछ साल बाद तक उन्होंने जॉब की और 1998 में उन्होंने एक कंपनी फाउंड की जिसका नाम था पेपाल। इलॉन मस्क भी उस टाइम पे सिमिलर टाइप की कंपनी बना रहे थे जिसका नाम था X.com। सन 2000 में X.com और पेपाल मर्ज हो गई और सन 2002 में ईबे ने पेपाल को $1.5 बिलियन में खरीद लिया। पेपाल के टीम मेंबर्स को पेपाल माफिया कहा जाता था, क्योंकि बिजनेस में उनका काफी इन्फ्लुएंस था। पेपाल में जो काम कर रहे थे उन्होंने आगे चल के काफी बड़ी कंपनीज बनाई हैं, जैसे इलॉन मस्क ने तो इतनी सारी कंपनीज बना दी, रीड हॉफमैन ने लिंक्डइन बना दी, और स्टीव चैन, चैड हर्ली और जावेद करीम ने मिलके यूट्यूब बना दी। पेपाल सेल करने के बाद पीटर थियल के पास $55 मिलियन थे, जिसमें से 10 मिलियन का यूज करके उन्होंने एक हेज फंड बनाया, जिससे वो 10 मिलियन 10 साल में 230 मिलियन बन गए। एक हिस्से से उन्होंने वेंचर कैपिटलिस्ट फंड बनाया, जिसने एयरबीएनबी, लिंक्डइन, कोरा, स्पेसएक्स जैसी कंपनियों में इन्वेस्ट किया है। फेसबुक में उन्होंने $500,000 इन्वेस्ट किए थे, जिसके लिए उन्हें लगभग 10% इक्विटी मिली थी, जो कि उन्होंने बाद में $1 बिलियन में बेची है। एक हिस्से से उन्होंने अपनी एक कंपनी बनाई पैलेंटियर, जो कि एक बिग डेटा एनालिटिक्स कंपनी है, जिसकी आज के टाइम पे नेटवर्थ लगभग $31 बिलियन है, और इसके क्लाइंट्स गवर्नमेंट इंटेलिजेंट एजेंसीज और यूएस मिलिट्री जैसी एंटिटीज हैं। सन 2012 में वो स्टूडेंट्स को लेक्चर दे रहे थे स्टार्टअप्स के ऊपर, क्योंकि उनको लगता है स्टूडेंट्स बहुत कुछ सीख लेते हैं पर उन्हें पता नहीं होता कि उसको यूज कैसे किया जाए। तो जब वो स्टार्टअप के बारे में पढ़ा रहे थे तो उनका एक स्टूडेंट ब्लेक मास्टर्स, उसने उसके नोट्स लिए और उसको सारी जगह डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया। जब पीटर ने देखा कि इससे काफी पॉजिटिव रिस्पांस आ रहा है, तो उन्होंने उस नोट्स को रिवाइज करके एक बुक बनाई 0 to 1, जिसमें उन्होंने बताया कि बिजनेस को किस तरह से बिल्ड करना चाहिए और एंटरप्रेन्योरशिप किस तरह से करनी चाहिए। बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, इन्होंने सिर्फ किसी का आइडिया कॉपी नहीं किया, इन्होंने नई चीज क्रिएट की। जब हम कॉपी करते हैं तो हम 1 से N पे जाते हैं, और जब हम कोई चीज क्रिएट करते हैं तो हम 0 से 1 पे आते हैं। और आज हमारे पास इतनी अच्छी टेक्नोलॉजीज इसीलिए हैं क्योंकि लोग 0 से 1 आए हैं। 0 to 1 में पीटर ने 14 पॉइंट्स बताए हैं जिससे आप भी एक वैल्यूएबल बिजनेस बना सकते हैं। पहला पॉइंट है द चैलेंजेस ऑफ द फ्यूचर। अगर आपसे पूछा जाए कि कोई ऐसी चीज बताओ जिस पर आपसे बहुत कम लोग सहमत हो, तो आप क्या बताओगे? और ऐसी चीजें लोगों के सामने बोलने के लिए काफी बहादुरी चाहिए, क्योंकि लोग बहुत क्रिटिसाइज करते हैं ऐसी चीजों पे। इसका जवाब कुछ इस तरह से दिया जा सकता है, जैसे लोग सोचते हैं कि ये सच है पर इसका उल्टा सच है। जैसे लोग सोचते हैं कि फ्यूचर में सब कुछ अपने आप अच्छा हो जाएगा, पर फ्यूचर जब तक अच्छा नहीं होगा जब तक उसको अच्छा करने के लिए लोग काम नहीं करेंगे। दो तरह की प्रोग्रेस होती है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल प्रोग्रेस में जो चीज काम कर रही है उसी को कॉपी किया जाता है, इस प्रोग्रेस में हम 1 to N जाते हैं। वहीं वर्टिकल प्रोग्रेस में हम बिल्कुल नई चीज बनाते हैं और 0 to 1 पे जाते हैं। ग्लोबलाइजेशन हॉरिजॉन्टल प्रोग्रेस है, जैसे कोई चीज इंडिया में काम कर रही है उसी को चाइना ले गए, यूएस ले गए, तो ये हम चीजों को कॉपी कर रहे हैं। पर फ्यूचर अच्छा करने के लिए हमें 0 to 1 प्रोग्रेस चाहिए। जितनी भी बड़ी कंपनीज है वो हाथी की तरह चलती हैं, धीरे धीरे काम करती हैं। बहुत सारी बड़ी कंपनीज में बिजी दिखाना ज्यादा जरूरी होता है बजाय कुछ यूजफुल करने के। तो बड़ी कंपनीज ज्यादा कुछ इनोवेशन नहीं कर पाती, क्योंकि ये ना तो रिस्क लेती हैं और ना ये तेजी से डिसीजन ले पाती हैं। तो फास्ट प्रोग्रेस के लिए स्टार्टअप्स बने हैं, जो कि चीते की रफ्तार से काम करते हैं, क्योंकि ये छोटी सी टीम होती है जिनके बहुत बड़े सपने होते हैं और ये बड़े रिस्क और फास्ट डिसीजन लेते हैं। सेकंड पॉइंट है पार्टी लाइक इट्स 1998 से 2000 तक .com मैनिया हो गया था, क्योंकि इंटरनेट नया नया आया था। उससे पहले लोग काफी निराश थे, तो इंटरनेट से उन्हें काफी होप थी, तो बहुत सारे लोगों ने .com कंपनीज में इन्वेस्ट करना शुरू करा। पर 2002 में जब वो बबल बस्ट हुआ तो बहुत सारे लोगों को नुकसान हुआ। It's described as nothing short of breathtaking, a points drop never before seen on the US markets. This closing bell might as well have been an alarm, so savage was the selling. फिर लोगों को रियल एस्टेट से उम्मीद जागी, तो उन्होंने रियल एस्टेट में बहुत सारे पैसे इन्वेस्ट करे। पर 2008 में जब रियल एस्टेट मार्केट क्रैश हुआ तो उसमें भी बहुत सारे लोगों को नुकसान हुआ। तो इन्वेस्टर को लगा हमें ये 4 स्टेप फॉलो करने चाहिए। पहला, हमें छोटे छोटे स्टेप्स लेने चाहिए, एक बारी में बड़ी जंप मारने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। दूसरा, हमें प्लान के हिसाब से काम ना करके थोड़ा फ्लेक्सिबल होना चाहिए। तीसरा, कुछ नई चीज ना बना के जो ऑलरेडी चीज है उसको बेटर करना चाहिए। और चौथा, हमें हमारे प्रोडक्ट्स पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए बजाय उसके बेचने के।
लोगों को लगता है इससे वो अगले क्रैश में बच सकते हैं, पर इसको थोड़े अलग ढंग से भी देखा जा सकता है। जैसे बड़े रिस्क लेने पे बड़े काम हो सकते हैं, जो काम सेफ रहने पे नहीं हो सकते। अगर आपके पास कोई प्लान हो तो उस कंडीशन से बेटर है जब आपके पास कोई प्लान ही नहीं है। अगर एक चीज में बहुत ज्यादा कंपटीशन हो तो उससे प्रॉफिट कम हो जाता है, जिससे कंपनी अच्छे से रन नहीं कर पाते। और जितना जरूरी प्रोडक्ट बनाना है उतना ही जरूरी उसको बेचना भी है। आज भी हमें नई टेक्नोलॉजीज की जरूरत है, पर हमें अपने पास्ट से सीखना चाहिए। जरूरी नहीं कि जो बहुत सारे लोग सोच रहे हो वो सही हो, और ये भी जरूरी नहीं कि उसका अपोजिट सही हो। तो हमें इंडिपेंडेंटली सोचना आना चाहिए। बिजनेस को हम ऐसे समझते हैं कि एक अच्छा बिजनेस पैसे बनाता है, पर उस टाइम पे इंटरनेट कंपनीज में लोग उसमें भी पैसा डाल रहे थे जो पैसे डुबा रहा था। थर्ड पॉइंट है, ऑल हैप्पी कंपनीज आर डिफरेंट। दो तरह की कंपनी होती है, एक होती है ठीक ठाक कंपनी और एक होती है स्पेशल कंपनी। ओके कंपनी जैसे एयरलाइंस बहुत सारी मेहनत करती है पर बहुत कम पैसे कमाती है, क्योंकि कंपटीशन बहुत होता है। वहीं एक स्पेशल कंपनी एक ऐसी चीज बनाती है जो किसी ने नहीं बनाई, और वो बहुत सारा प्रॉफिट कमाती है। जैसे गूगल, जो स्पेशल कंपनीज होती है वो चार चीजें करती हैं। वो बड़े चेंज धीरे धीरे लाती हैं, टाइम के साथ अपने आप को बदलती रहती हैं, टाइम के साथ चीजें बेहतर करती रहती हैं, और चीजें अच्छी बनाने पे ध्यान देती हैं बजाय उनकी मार्केटिंग पे। कुछ लोगों का मानना होता है कि यू डोंट हैव टू फॉलो रूल्स। बड़े सपने देखो, बड़े रिस्क लो और बड़े प्लान बनाओ। आपको सबके जैसा बनने की जरूरत नहीं है। समटाइम्स बीइंग डिफरेंट मेक्स यू ट्रूली स्पेशल। फोर्थ पॉइंट है, द आइडियोलॉजी ऑफ कॉम्पिटिशन। लोग सोचते हैं कॉम्पिटिशन होना तो बहुत जरूरी है, कॉम्पिटिटिव रहना चाहिए। लोग ऐसा क्यों सोचते हैं कि कॉम्पिटिशन तो भाई बहुत अच्छी चीज है? क्योंकि हमें बचपन से स्कूल में सिखाया जाता है कि हमें कॉम्पिटिटिव रहना है। ज्यादा से ज्यादा पढ़ के हम एक रेगुलर जॉब के लिए बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट को फेस करते हैं। क्या वो इसके लिए वर्थ है? जैसे अगर आप कोई रेस्टोरेंट खोलते हैं तो उसमें बहुत कॉम्पिटिशन है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे रेस्टोरेंट होते हैं। तो उस बिजनेस में जो शेफ होगा वो भी बहुत परेशान होगा, क्योंकि उसे बहुत कम सैलरी पे काम करना पड़ रहा होगा। आप भी परेशान होंगे क्योंकि बिजनेस में प्रॉफिट नहीं आ रहा, सिर्फ लॉस ही होता जा रहा है, या प्रॉफिट बहुत कम आ रहा है, तो रेस्टोरेंट का बिजनेस बड़ी मुश्किल से चलेगा। वहीं गूगल का कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है, उसे कॉम्पिटिशन का सामना नहीं करना पड़ता। तो वो और चीजों पर ध्यान देती है, जैसे अपने वर्कर्स का ख्याल रखना और दुनिया को और बेहतर बनाने के तरीके सोचना। वो एक मोनोपोली बना लेती है क्योंकि उनके कॉम्पिटिशन में कोई होता ही नहीं है, तो सारा प्रॉफिट उनका होता है। मोनोपोली तब खराब होती है जब वो अपने मनमाने रेट चलाए, पर बहुत बार मोनोपोली अच्छी होती है और गवर्नमेंट इसको बनाने में मदद करती है, क्योंकि वो कंपनी ज्यादा अच्छे से काम कर पाती है और एक ज्यादा अच्छा एनवायरनमेंट बना पाती है। बहुत बार हम कंपटीशन में भागते रहते हैं, पर कई बार इस चीज में ज्यादा फायदा होता है कि हम अपना कुछ करें जिसमें कॉम्पिटिशन ना हो। जब दो कंपनीज कॉम्पिटिशन में जाती है तो ज्यादातर एक नई कंपनी एक नई सोच के साथ उभर के आती है। जैसे गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जब कॉम्पिटिशन में गए तो एप्पल उभर के आई और एक बहुत बड़ा मार्केट शेयर एप्पल ने ले लिया। अगर आप सोचते हैं कि कॉम्पिटिशन बिजनेस के लिए खराब है तो आप ऑलरेडी बहुत सारे लोगों से आगे हैं, और इसी से एक सक्सेसफुल बिजनेस बनाने की शुरुआत होती है। फिफ्थ पॉइंट है, लास्ट मूवर एडवांटेज। 2013 में ऐसी न्यूज कंपनीज थी जो उस टाइम पे पैसे अच्छे कमा रही थी, और ट्विटर उस टाइम पे बहुत पैसे नहीं कमा रही थी, पर ट्विटर की वैल्यू उन कंपनीज से बहुत ज्यादा थी। लोग उसमें बहुत सारे पैसे इन्वेस्ट करने के लिए रेडी थे, क्योंकि उन्हें पता था कि कुछ सालों बाद ट्विटर बहुत ज्यादा पैसे कमाएगी। स्टार्टअप की वैल्यूएशन इसीलिए ज्यादा होती है क्योंकि वो आने वाले सालों में बहुत पैसा कमा सकती है। आप जब भी कुछ करो तो आप देखो क्या आने वाले सालों में ये चीज सक्सेसफुल होगी। लगभग जितनी भी ऐसी सक्सेसफुल कंपनीज है जिनकी मोनोपोली है वो बाकी कंपनीज के मुकाबले 10 times बेटर है। तो अगर आपको एक बड़ी कंपनी बनानी है तो आपके पास ये चार चीजें होनी चाहिए, ब्रांड, स्केल, नेटवर्क और टेक्नोलॉजी। फर्स्ट मूवर एडवांटेज होता है, पर उसके बाद आप क्या करते हैं ये बहुत मैटर करता है। ऐसी बहुत सारी कंपनीज है जिनके पास फर्स्ट मूवर एडवांटेज है, पर बहुत सारे लोग लास्ट मूवर एडवांटेज लेते हैं क्योंकि वो कुछ ऐसा नया लाते हैं जो कि बाकी सबसे 10 times बेटर होता है। सिक्स्थ पॉइंट है, यू आर नॉट अ लॉटरी टिकट। बहुत लोग सोचते हैं कि सक्सेस लक से होती है, बहुत लोग सोचते हैं कि सक्सेस स्किल से होती है, और काफी लोग सोचते हैं लक और स्किल दोनों से सक्सेस होती है। पर अगर लक से सक्सेस होती है तो ऐसा कैसे होता है कि कोई इंसान अगर एक बार सक्सेसफुल होता है तो वो बार बार सक्सेसफुल होता है अलग अलग चीजों में? और अगर लोगों को बोला जाएगा कि लक से ही चीजें होती हैं तो लोग मेहनत क्यों करेंगे? वो छोड़ देंगे, कहेंगे अपने आप हो जाएगा सब कुछ, किस्मत अच्छी रही तो। स्कूल में बच्चे बहुत सारी चीजों के बारे में पढ़ते हैं पर उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते स्कूल के बाद कहीं पे भी। उनको पता ही नहीं होता कि कहाँ पे लगाएं इन चीजों को। वहीं जिनको अपना गोल पता होता है वो
कुछ चीजों के बारे में पढ़ते हैं जो उनके गोल के लिए जरूरी है और वो उसको उस पे इम्प्लीमेंट करते हैं। लोग फ्यूचर को चार तरह से देखते हैं। पहला, इनडेफिनेट पेसिमिज्म, जिसमें लोग सोच रहे होते हैं कि आने वाले टाइम पे कुछ बुराई होने वाला है। दूसरा, डेफिनेट पेसिमिज्म, जिसमें लोगों को लगता है कि भाई कुछ बुरा तो होने वाला है पर हमें मेहनत करनी पड़ेगी कि कुछ बुरा ना हो, तो वो बहुत मेहनत कर रहे होते हैं। तीसरा, डेफिनेट ऑप्टिमिज्म, जिसमें लोगों को पता होता है कि फ्यूचर में बहुत कुछ अच्छा हो सकता है, वो उसके लिए मेहनत कर रहे होते हैं, जैसे कि इन्वेंटर हो गए, साइंटिस्ट हो गए, इंजीनियर्स हो गए, जो कि नई नई चीजें बनाते हैं जिससे फ्यूचर अच्छा हो। चौथा, इनडेफिनेट ऑप्टिमिज्म, जिसमें लोग सोचते हैं फ्यूचर में बहुत कुछ अच्छा हो सकता है पर उन्हें पता नहीं होता कि कैसे होगा, क्या होगा। आपको क्या लगता है कौन सा पाथ सबसे सही है? क्या सक्सेस के लिए लक जरूरी है, स्किल जरूरी है, या दोनों जरूरी है? सेवंथ सीक्रेट है, फॉलो द मनी। बहुत सारे वेंचर कैपिटलिस्ट पावर लोगों को प्रेफर करते हैं, जिसमें उनकी कुछ इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा रिटर्न देती हैं, जिससे उनकी बाकी कंपनीज के लॉसेस कवर करने के बाद भी उनके पास बहुत सारा प्रॉफिट होता है। बहुत लोग सोचते हैं कि इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफाई करनी चाहिए, हमें ऐसे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ वाली कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि इसमें लॉसेस के चांसेस बहुत होते हैं। वेंचर कैपिटलिस्ट का यही काम होता है कि वो ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करे जिनका पोटेंशियल इतना ज्यादा हो जो दुनिया को बेहतर बना सके। लोगों को यह मिथ होता है कि डाइवर्सिफिकेशन ज्यादा अच्छी चीज है, वो हाई रिस्क कंपनीज में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते चाहे उसमें कितना भी पोटेंशियल हो। पर यह ध्यान रखना चाहिए कि लाइफ इजंट अ पोर्टफोलियो, हमें दुनिया को एक बेहतर दुनिया बनाना है। एट पॉइंट है सीक्रेट्स। दुनिया में ऐसे बहुत सारे सीक्रेट्स छुपे हुए हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिसका आंसर नहीं किया किसी ने, और इन्हीं सीक्रेट्स की वजह से आने वाले टाइम पे ग्राउंड ब्रेकिंग कंपनीज बनने वाली हैं। अगर कोई सोचे कि भाई कोई सीक्रेट नहीं है, सब कुछ अच्छा है, इससे अच्छा अब क्या ही होगा, मार्केट एकदम बढ़िया चल रहा है और ऐसा ही चलता रहेगा, पर ऐसा होता नहीं है। टाइम टाइम पे मार्केट क्रैश होता रहता है। सीक्रेट्स को ढूंढना बहुत जरूरी है, उसके लिए चाहे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, पर ऐसे ही सीक्रेट से ग्राउंड ब्रेकिंग कंपनीज बनती हैं। दो तरह के सीक्रेट होते हैं, नेचर सीक्रेट और ह्यूमन सीक्रेट। नेचर सीक्रेट हमारे चारों तरफ हैं, वो चाहते हैं कि हम उन्हें ढूंढे और वो हमें मिले, पर ह्यूमन सीक्रेट ऐसी चीज है जो कोई बताना नहीं चाहता। जिन कंपनीज की मोनोपोली होती है वो डाउनप्ले करती है, जैसे गूगल कहती है कि मेरे पास तो बहुत सारा कॉम्पिटिशन है, मेरे को माइक्रोसॉफ्ट से कॉम्पिटिशन करना पड़ता है, एप्पल से कॉम्पिटिशन करना पड़ता है। वहीं जो कंपनी इस कॉम्पिटिशन में होती है वो अपनी यूनिकनेस बताती रहती है कि मेरे अंदर ये यूनिक है, वो यूनिक है, फिर भी वो कॉम्पिटिशन में ही रहती है। ऐसे बहुत सारे सीक्रेट्स हैं जो अनडिस्कवर्ड हैं, और हमें उन्हें ढूंढ के उन पे काम करने की चाहत होनी चाहिए। नाइन्थ पॉइंट है फाउंडेशंस। जब भी आप कोई कंपनी स्टार्ट करो तो सबसे जरूरी है एक स्ट्रॉन्ग स्टार्ट। उसके बाद आपको एक राइट को फाउंडर की जरूरत होती है, जिसका विजन आपके साथ अलाइन हो। आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि कंपनी की ओनरशिप, पोजेशन और कंट्रोल बैलेंस्ड हो। कंपनी के बोर्ड रूम में 3 से 5 मेंबर होने चाहिए। अगर बहुत ज्यादा मेंबर होंगे तो वो इफेक्टिवली डिसीजन नहीं हो पाएगा, क्योंकि ज्यादा लोगों की सोच कन्फ्लिक्ट करती है। अगर आपको अपनी कंपनी को एक सक्सेसफुल कंपनी बनाना है तो उसके लिए आपको ये पॉइंट्स ध्यान रखने चाहिए। जो भी कोई एम्प्लॉई उसमें काम कर रहा हो, या तो पूरा इसी में काम कर रहा हो या फिर नहीं कर रहा हो। अगर कोई बंदा पार्ट टाइम उसमें काम करेगा तो वो उतना अच्छा काम नहीं करेगा। आपको लोगों को फेयरली कंपेंसेट करना चाहिए। सीईओ को भी एक मॉडेस्ट सैलरी लेनी चाहिए ताकि लोगों को देखे कि इतने कम पैसे लेके भी ये इतनी मेहनत से काम कर रहा है, और उनको भी इंस्पिरेशन मिले मेहनत से काम करने की। टीम मेंबर्स के बीच इक्विटी फेयरली डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए ताकि सबके अंदर एक मोटिवेशन रहे कंपनी को सक्सेसफुल बनाने की। कोई भी कंपनी एक ही बार स्टार्ट होती है, और उसको सक्सेसफुल बनाने के लिए कंटीन्यूअस क्रिएशन की जरूरत होती है। 10th पॉइंट है द मैकेनिक्स ऑफ माफिया। लोग जहां काम करते हैं वो उनका दूसरा घर होता है, क्योंकि ज्यादातर टाइम वो ऑफिस में ही रहते हैं। तभी आप देखते हैं कि काफी सारे ऑफिस में टीटी टेबल्स लगे होते हैं, जिम होते हैं, कंफर्टेबल चेयर्स होती हैं। तो जब भी आप एक पेपाल जैसा माफिया बनाने का सोचो, एक बड़ी कंपनी बनाने का सोचो, तो आपको वहां पे मोस्ट टैलेंटेड पीपल नहीं हायर करने हैं, आपको वहां पे ऐसे लोग चाहिए जो एक दूसरे के साथ काम करके खुश हों। उनका विजन कंपनी के विजन के साथ अलाइन होना चाहिए, और वो उस मिशन को पूरा करने के लिए पूरा डेडिकेशन के साथ काम करने चाहिए। किसी भी स्टार्टअप में यूनिफॉर्म यूनिटी होती है, लाइक माइंडेड इंडिविजुअल्स होते हैं जो एक तरीके से सोचते हैं। हर किसी के पास अपना एक यूनिक काम होता है जिसको वो डेडिकेशन के साथ कर रहा होता है। उनके अंदर एक कल्ट लाइक वाइब होती है, जिससे वो उस कंपनी के कॉज को पूरा करने के लिए पूरी डेडिकेशन से, पूरी मेहनत से काम करते हैं। तो अगली बार अगर आप देखें कि कोई स्टार्टअप किसी को टी शर्ट दे रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि वो सिर्फ एक टी शर्ट नहीं है, वो एक यूनिटी का सिंबल है। 11th पॉइंट इज इफ यू बिल्ड इट विल दे कम।
लोग सोचते हैं कि प्रोडक्ट अच्छा बनाओ इतना बहुत है, पर ऐसा नहीं है। सेल्स, मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट का बहुत बड़ा रोल है एक अच्छे बिजनेस में। सेल्समैन से लोगों को लगता है कि या तो ये मैनिपुलेट करेगा, हमें किसी भी तरह परसुएट करने की कोशिश करेगा कि ये हमारा सामान खरीद ले, पर जो असली सेल्समैन होता है वो एक वैल्यू देता है, वो एक इंप्रेशन क्रिएट करता है यूजर के लिए, जिससे वो यूजर उसे खुद खरीदना चाहता है। अगर हमें कोई चीज सेल करनी है तो हमें ये देखना चाहिए कि उसके लिए कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट कितनी है, कस्टमर को वो कितने रुपए में मिल रही है, और उसके लिए उसे कस्टमर लाइफटाइम वैल्यू कितनी मिल रही है। कुछ चीजों की सेल्स बहुत कॉम्प्लेक्स होती है, जैसे रॉकेट्स। स्पेसएक्स ने नासा को कन्विंस किया कि उन्हें अपने पुराने स्पेस शटल्स को बदलने की जरूरत है। इसके लिए उन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर स्पेसएक्स में इन्वेस्ट किए। डिस्ट्रीब्यूशन एक बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि अगर आप एक अच्छा प्रोडक्ट बनाते हो तो उसको लोगों तक पहुंचाना खुद में उतना ही इम्पोर्टेंट है। हर कोई कुछ ना कुछ बेच रहा होता है। अगर आप सोचते हैं कि आपके आसपास तो कोई सेल्समैन नहीं है, तो इसका मतलब है कि आप सेल्समैन हैं। 12th पॉइंट है मैन एंड मशीन। आज लगभग हर जेब में एक ऐसा पावरफुल डिवाइस है जो कंप्यूटर से भी ज्यादा स्ट्रांग है, उस कंप्यूटर से जिसने इंसान को चांद तक पहुंचा दिया था। आज सेल्फ ड्राइविंग कार्स रोड्स पे चल रही हैं। लोग सोचते हैं कि कंप्यूटर इंसान को हर जगह रिप्लेस कर देगा, पर ऐसा नहीं है। टेक्नोलॉजी इंसान को असिस्ट करती है ताकि वो और अच्छे काम कर सके। जैसे पैलेंटियर ह्यूमन इंसाइट्स और कंप्यूटर इंटेलिजेंस मिला के जो फ्रॉड होते हैं और टेररिस्ट नेटवर्क होते हैं उनका पता लगा पाती है। जो कंप्यूटर है, जो AI है, ये कैलकुलेशंस बड़ी तेजी से कर लेती है, पर ये बहुत सारे ऐसे काम नहीं कर पाती जो एक बच्चा बड़े आसानी से कर लेता है। तो हमें इन सब से डर के रुकना नहीं चाहिए, अपने प्लान्स बना के आगे काम करना चाहिए। 13th पॉइंट है सीइंग ग्रीन। 21st सेंचुरी में इस चीज पे बड़ा फोकस किया जा रहा है कि क्लीन टेक कंपनीज बने जो कि एनवायरमेंट को साफ करें, हमें रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी दें। गवर्नमेंट भी इस चीज को प्रमोट कर रही है, पर बहुत सारी क्लीन टेक कंपनीज, बहुत सारी सोलर कंपनीज एक साल के अंदर अंदर फेल हो जाती हैं, जिससे इन्वेस्टमेंट में बहुत सारा लॉस भी हो रहा है। ये कंपनीज फेल हो रही हैं क्योंकि ये इन 7 क्वेश्चन का सही आंसर नहीं कर पा रही हैं। पहला, द इंजीनियरिंग क्वेश्चन, क्या वो कुछ रेवोल्यूशनरी बना रही है या सिर्फ एक इंक्रीमेंटल अप्रोच अपना रही है। दूसरा, द टाइमिंग क्वेश्चन, क्या ये सही टाइम है इस कंपनी को स्टार्ट करने का। तीसरा, द मोनोपोली क्वेश्चन, क्या इस कंपनी के पास मार्केट का एक बड़ा शेयर होगा। चौथा, द पीपल क्वेश्चन, क्या उनके पास एक राइट टीम है। पांचवा, द डिस्ट्रीब्यूशन क्वेश्चन, क्या वो लोगों तक अपना प्रोडक्ट इफेक्टिवली डिलीवर कर सकते हैं। छठा, द ड्यूरेबिलिटी क्वेश्चन, क्या उनका प्रोडक्ट आज से 10-20 साल बाद तक भी बिल्कुल सही तरीके से काम करेगा। सातवा, द सीक्रेट क्वेश्चन, क्या उन्होंने एक ऐसी अपॉर्चुनिटी देख ली है जिसको अभी तक किसी और ने नोटिस नहीं किया है। अगर कोई कंपनी इन क्वेश्चन के सही आंसर दे देती है तो उसके सक्सेस के ज्यादा चांसेस होते हैं, और वही अगर वो इसके सही आंसर नहीं देती या नहीं जानती तो वो जब फेल होती है तो उसे एक बैड लक बता देती है अपना। जैसे टेस्ला ने इन 7 क्वेश्चन के आंसर दिए और सारे ऑड्स को झेलने के बाद भी वो एक सक्सेसफुल कंपनी बन चुकी है। तो अगर आपको एक सक्सेसफुल बिजनेस बनाना है तो छोटा शुरू करो, एक नीच पकड़ो, अपना एक छोटा मार्केट पकड़ो, उसमें जीतो और फिर उस चीज को बड़ा बनाओ। 14th पॉइंट है द फाउंडर्स पैराडॉक्स। पेपाल के 6 फाउंडर्स में से 4 ऐसे थे जो स्कूल के टाइम पे बॉम्ब बना रहे थे, 5 23 साल से कम उम्र के थे, 4 US के बाहर से आए थे, और एक ऐसा था जिसने एक बैंक का ऑफर रिजेक्ट कर दिया था जो उसे पेपाल की सैलरी से 3 गुना सैलरी दे रहा था। फाउंडर्स ऐसे ही ऑड चीजें करते रहते हैं, या तो वो बचपन से ऐसे होते हैं या फिर वो एनवायरमेंट से ऐसे हो जाते हैं। ये एक ही टाइम पे अमीर भी होते हैं और गरीब भी होते हैं, क्योंकि इनके पास कैश बिल्कुल नहीं होता, पर पेपर में ये बहुत ज्यादा अमीर होते हैं। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि चाहे कितनी भी स्टेबिलिटी हो, अनसर्टेनिटी हमेशा रहती है। कंक्लूजन, स्टैग्नेशन और सिंगुलैरिटी। बहुत लोग सोचते हैं कि जैसा आज है फ्यूचर भी वैसा ही रहेगा। कुछ लोग सोचते हैं कि भाई फ्यूचर में तो बहुत कुछ डिजास्टर होने वाला है, बहुत बुरा होने वाला है कुछ। कुछ लोग सोचते हैं भाई कुछ ऐसा हो जाएगा जो आज तक कभी किसी ने सोचा ही नहीं है। पर सिंगुलैरिटी वो है जिसमें हम एक प्लान बनाए और नई चीजें इन्वेंट करें जिससे हम एक बेहतर फ्यूचर बना सके। ये यूनिवर्स, प्लैनेट्स और आपकी लाइफ सब यूनिक है, तो हमारा काम ये है कि क्रिएटिव वेज निकालें जिससे हम फ्यूचर को सिर्फ डिफरेंट ना बनाएं, फ्यूचर को बेटर बनाएं, और वो तब होगा जब हम 0 to 1 जाएंगे। ड्रैगन्स परसेप्शन में हम बिलीव करते हैं कि अगर इंसान को सही गाइडेंस मिले तो वो अपना मैक्सिमम पोटेंशियल अचीव कर सकता है। हम लोगों को उनका मैक्सिमम पोटेंशियल अचीव करवाना चाहते हैं,
अगर आपको लगता है कि हम एक अच्छा काम कर रहे हैं तो आप ड्रैगन्स परसेप्शन से जुड़ सकते हैं। आप और हम मिलके इस दुनिया को एक बेहतर दुनिया बना सकते हैं।